अब बोला ना कॉलर छोड़, जान ले लूंगा तेरी। बैठ गाड़ी में। शर्म नहीं आती है? पूरी सड़क का ट्रैफिक रोके रखा। चलो बीबी, पता किससे बात कर रही हो? किससे बात कर रही हूँ? मैं इकबाल मुन्ना हूँ बीबी। वाह मुन्ने, तुम्हारे यहाँ मुन्नों को खेलने के लिए पिस्तौल देते हैं? दोस्तों आज हम रिएक्शन कर रहे हैं जेंटलमैन के सभी टीजर्स पर। भाई हुमायूं सईद और यमुना ज़ैदी का ये अपकमिंग ड्रामा है। मैं इसके लिए पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि इसकी जो कास्ट है बहुत इंप्रेसिव है भाई, टैलेंट से भरपूर है। मतलब यमुना ज़ैदी बहुत टैलेंटेड एक्ट्रेस है और हुमायूं सईद के तो क्या कहने। और साथ में अदनान सिद्दीकी भी है जो कि मेरे पास तुमों में थे। हाँ, एक्टिंग के भी। और अहमद अली भट्ट भी है भाई। भाई एक्टिंग लेवल की होने वाली है तो पता है कि कैरेक्टर्स जो हैं उनको भरपूर निभाने वाले हैं लोगों, लेकिन स्टोरी कैसी है और क्या ट्विस्ट एंड प्लॉट्स होने वाले हैं सब टीजर में शायद पता चल जाए। लेट्स सी क्या है। टीजर वन से शुरू करते हैं। अभी का चैप्टर वन कैरेक्टर का इंट्रो। हाथ उठा और मेरे साथ साथ बोल। मैं इकबाल मुन्ना। मैं इकबाल मुन्ना अपने हाजिर भाइयों के सामने हलफ उठाता हूँ। अपने हाजिर भाइयों के सामने हलफ उठाता हूँ कि अपने बड़े भाई के अहकामात का पाबंद रहूँगा। कि मैं अपने बड़े भाई के अहकामात का पाबंद रहूँगा। बत्ता नहीं लूँगा। बत्ता तो नेवर भाई, आई हेट बत्ता। किसी को जान से नहीं मारूंगा। किसी को जान से नहीं मारूंगा। लव नहीं करूंगा। लव बोले तो प्यार। किसी से लव करता है क्या? बहुत प्यार करता हूँ भाई साहब। बहुत तड़पता हूँ सरनाथ जी। यमुना ज़ैदी से प्यार? नहीं भाई, मैं लव नहीं करूंगा। आपकी कसम लव नहीं करूंगा, जान दे दूंगा, लव नहीं करूंगा। यमुना तुझे एक रंगी दो और ढाई बीटी। हम गुंडों की जेंटलमैनों से लड़ाई है और अगर हम हार गए तो गरीब उसी तरह रियाया बनकर जीते रहेंगे और जेंटलमैन लूट लूट कर चले जाएंगे यहाँ से। ये बात तो सच है भाई। कुछ जेंटलमैन दिखते जेंटलमैन है लेकिन गरीबों को लूटते बहुत है, है ना। बस दिखने के ही जेंटलमैन, दिखने के जेंटलमैन होते हैं वो बेसिकली। अब शायद तू में मुझे लग रहा है कि यमुना को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। अभी चैप्टर टू। मैं पूछती हूँ निगुंडा नाम की स्पीशी होती क्या है? एचओडी से कहो मैं उसका इंटरव्यू करूंगी लेकिन सवाल अपनी मर्जी के करूंगी। गुंडा हमारे ना इंसाफी, बुजदिली और करप्शन से पैदा होने वाले उस कीड़े का नाम। ओ भाई। जो हमारी हिम्मत और वकार को पैरालाइज कर देता है। इसी गुंडे के आड़ में छुप कर हमने अपने मुल्क के 74 साल जाया कर दिए और अब जब वो अपने पैदा करने वाले से अपना हिस्सा मांगता है तो आप चीख चीख कर कहते हैं कि वो गुंडा है। मरवाएगी दिलवर, कारोबार खत्म कराएगी अपना। Whatever नहीं सर, डीसी साहब हुक्म की तामील करेंगे, तामील में आप उनकी मदद करेंगे, चैनल पे शो होगा, मुझे स्क्रिप्टेड लाइंस बोलनी पड़ेंगी, हाँ सबके आपसी तालुकात बढ़ जाएंगे लेकिन गुंडों का बाल बाका नहीं होगा। हम चैनल से तनख्वाह लेते हैं तो उन्हें सर्व करना पड़ेगा। मुल्क से कुछ नहीं लेते हम, चैनल से एक तनख्वाह लेते हैं उसके लिए दुगनी मेहनत करते हैं, मुल्क से पता नहीं क्या क्या लेते हैं, उसको कब सर्व करेंगे हम। वो आप डायलॉग नाइस। अच्छा दार भाई ये टीजर मतलब एक जर्नलिस्ट का रोल प्ले कर रहा है जो कि बहुत हॉनेस्ट और ईमानदार है कुछ ज्यादा ही, और यहाँ पर वो किसी से डरती भी नहीं है और उनका दिल फिसल गया है इस जर्नलिस्ट पर। हाँ, हुमायूं सईद का, और वो उन्हीं का पर्दाफाश करने में लगे। हाँ, उनके भी से उनको प्यार हो गया है भाई। भाई ये बहुत शानदार स्टोरी रहने वाली है। पर ये ड्रामा नहीं लग रहा, ऐसा लगा कोई वेब सीरीज का टीजर चल रहा है। जिस तरह से इसको बनाया गया है बहुत पाकिस्तान में, ये तो देख रहा हूँ मैं कि अब बहुत डिफरेंट टाइप के ड्रामास बन रहे हैं और अलग अलग सब्जेक्ट पर बन रहे हैं, बट उनमें से 80% ग्रीन एंटरटेनमेंट से आ रहे हैं। ये भी देख ले तू, ये भी है। 80% कह सकते हैं, 80% जो ड्रामास है जो सब्जेक्ट बिल्कुल चेंज करके ला रहे हैं वो सारे ड्रामा ग्रीन एंटरटेनमेंट से देखे हमने। तो ग्रीन एंटरटेनमेंट वालों आपका ये काम तो हमें बहुत पसंद आया जो आप कर रहे हो कि जॉनर ही चेंज कर डाल रहे हो। बात तो सच है। और हुमायूं सईद का जो कैरेक्टर है वो अदनान सिद्दीकी के छोटे भाई का कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, जिस तरह से स्टार्टिंग में बोलते कि किसी को मारना मार प्यार वो भाई, वो वाला भाई नहीं, वो भाई वाला भाई, वो वाला भाई। हाँ। वो है तो वो भी गुंडा है, वो बड़ा गुंडा है छोटा गुंडा, तो उस टाइप से भाई तू भी इस लाइन में आ रहा है ना। तूने बहुत अच्छा काम किया मेरे लिए लेकिन तू इस बात का ध्यान रखना। बाकी जिस तरह से पप्पी दी थी तो इसको लग रहा है कि भाई हो सकता है, तो डाउट है भाई ही है वो। अब वो देखते हैं जो भी होता है। तो नाम भी उनके मिलते मिलते से लग रहे हैं।
अच्छा हाँ ये भी सही है, तो देखते हैं वो ड्रामा आएगा तो टीजर 3 देख लेते हैं फिलहाल अभी का। अब बोला ना कॉलर छोड़, जान ले लूंगा तेरी, बैठ गाड़ी में। शर्म नहीं आती है, पूरी सड़क का ट्रैफिक रोके रख। चलो बीबी, पता किससे बात कर रही हो? किससे बात कर रही हूँ? मैं इकबाल मुन्ना हूँ बीबी। वाह मुन्ने, तुम्हारे यहाँ मुन्नों को खेलने के लिए पिस्तौल देते हैं? ऐसी होगी मुलाकात, चुटकी में सारा इमेज खराब हो गया। मुझे तो दूसरी मुलाकात भी याद है, तब भी आप भरे बाजार में किसी की टांगे तोड़े थे। खुदा की कसम नहीं, बस गलती से गोली चल गई थी। मैं भी भाई लोगों से गलती से बहुत नफरत करती हूँ। मेरे भाई गिरी को भूल जाइए, इकबाल मुन्ना में जो भाई था वो आज से मर गया। अब वो बैठ कर सोचेगी कि जाते हुए मुन्ना ने क्या कह दिया, उसके दिल में खलबली सी मच जाएगी, ना भूख लगेगी ना नींद आएगी। हाय मुन्ना सर। ये हुई ना बात, लड़की से माफी मांग लो फौरन पट जाती है। ना कर दिलबर। भाई क्या प्यारा था यार लड़का टीजर, यार बहुत प्यारा टीजर था। टीजर देख के लग रहा है कि इस ड्रामा में थ्रिल के साथ एंटरटेनमेंट होने वाला है, बहुत भर के एक्शन थ्रिल लव स्टोरी एंटरटेनमेंट कॉमेडी सब कुछ दिख रहा है अभी तक। और ये टीजर सच में बहुत अच्छा लगा, और ये टीजर देख के लग रहा है कि ये देखते हुए आप बिल्कुल बोर नहीं होंगे। ये नहीं कि भाई बहुत ज्यादा डीप स्टोरी चल रही है तो आप बोर हो रहे हो, कभी आपको थोड़ा स्लो लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है भाई। ये सबके लिए बना है बेसिकली, ये बड़ों के लिए भी बना है, छोटों के लिए भी बना है, टीनेज के लिए भी बना है, सबके लिए मिक्स है इसमें। प्यार मोहब्बत तो रहता ही है ड्रामास में, तो वो भी मिल जाएगा बिल्कुल। एंटरटेनमेंट का पूरा ख्याल रखा गया है भाई, मजा आने वाला। मैं बिल्कुल डेफिनेटली इसको फर्स्ट डे फर्स्ट शो से देखना चाहूंगा। खलीलुर रहमान ने लिखा है भाई, तो ड्रामा दमदार होगा ही। वही है ना मेरे पास तुम ऑल। चलो नेक्स्ट टीजर देखते हैं अभी। कोरांगी के बड़े भाई का इंट्रो। रहमती बस हुक्म देता, वक्त बताकर कहता था कि काम इतनी देर में हो जाए, और वो हो जाता था वकार साहब। कानून और उसकी सेक्शंस की ऐसी की तैसी। बहुत ही मोहब्बत करने वाला इंतहाई रहमदिल आदमी हूँ मैं। किस चीज़ की कमी है आपके पास? इज्जत दौलत शोहरत मिनिस्टर लेवल का स्टेटस है आपके पास, इतने में भी फुल शपोका हीरो हीरो लगते हो आप। माथा ला यार। जब तक मार जब तक मर नहीं जाता। आई वॉन्ट हिज डेड बॉडी। ठीक बोलिए ना अंग्रेजी। रिमोट थे ना, मरा नहीं अभी तक, जिंदा है वो। भाई ये कैरेक्टर बहुत सॉलिड है यार, डेंजर होने के साथ फनी भी है, बहुत कॉमिक कैरेक्टर भाई ये सच में। ये ड्रामा फर्स्ट डे फर्स्ट शो से देखना पड़ेगा, अमेजिंग है यार भाई। मेरे को तो दिल हो रहा है इस पे रिएक्शन भी करेंगे भाई, मर व्यू नहीं आते यार आज के रिएक्शन करने पे। यार हम ड्रामा रिएक्शन करते और इतनी मेहनत करते हैं, 2 घंटे एडिटिंग में लगते हैं, पर फिर व्यू नहीं आते, आप लोग देखते नहीं हो तो बहुत बुरा लगता है भाई। कमेंट करके बताओ इस वीडियो पर, चलो अगर मान लेते हैं अगर ये वीडियो जो आप देख रहे हो इस पे अगर कमेंट आ गए थोड़े भर के कि हाँ भाई इस शो पे रिएक्शन करना, तगड़े आने चाहिए, कितने कमेंट आने चाहिए कम से कम आपके? मैं तो चाहता हूँ 10,000 लाइक कर दो। 10,000 लाइक, चलो 10,000 लाइक इस वीडियो पे आ गए ना तो इस शो पे हम रिएक्शन डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि 7 लाख सब्सक्राइबर है हमारे, तो 10,000 लाइक तो बनते 10,000 लाइक अगर इस वीडियो पे आ गए तो डेफिनेटली हम इस वीडियो को इस ड्रामा ड्रामा पे रिएक्शन देंगे, क्योंकि हम दोनों को मजा आ रहा है बेसिकली। इसके टीजर को देखने में हम दोनों को बहुत मजा आया, और ये आवर टाइप शो लगा, मतलब हम जो जिस तरह का कंटेंट पसंद करते हैं वैसा ही शो है ये। साथ में एक्टर्स भी हमारे फेवरेट, दोनों एक्टर्स, हाँ दोनों एक्टर्स, एक्ट्रेस एंड एक्टर दोनों हमारे फेवरेट हैं इसमें। तो बताइए दोस्तों कैसा लगा आपको आज का रिएक्शन, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।